आ गई है बिल्कुल नई महिंद्रा थार रॉक्स। आप इसको सबसे पहले देख रहे हैं कारम बाइक हिंदी पे, और ऑफ कोर्स मेन चीज़ आई है इस गाड़ी की कि यहाँ आपको मिलते हैं 5 दरवाजे, और मैं बैठा हूँ अहम सेकंड रो में महिंद्रा थार रॉक्स की। यही है बड़ा फर्क इस कार में। ऑफकोर्स बाकी चेंजेस भी हैं, आपको सब बताते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब बात करते हैं महिंद्रा थार रॉक्स की, और यह है इसकी सेकेंड रो। आपको मिलता है वाइट इंटीरियर जैसा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, और यहाँ आपको बीच में एक सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पे 3 लोगों के बैठने की जगह है, यहाँ एसी वेंट है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है सेकंड रो में, और ऑफ कोर्स एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ भी है अब थार में, इस थार रॉक्स में। किस तरह का लेग रूम मुझे मिल रहा है आप देख सकते हैं, नी रूम कैसा है, लेग रूम कैसा है, जो इलेक्ट्रिक सीट आपको यहाँ दी गई है, एक नया फीचर आपको थार में दिखता है। वेंटिलेशन फंक्शन भी है दोनों फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, और साथ में यहाँ एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है। अगर आप आगे स्क्रीन पर नज़र डालते हैं तो आपको दिखेंगी एक बड़ी टच स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर एक अच्छी साइज़ का आपको मिलता है, क्लाइमेट कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल है, बहुत सारे फीचर्स से लेस हो गई है महिंद्रा थार रॉक्स। पहले फीचर्स थार में नहीं मिलते थे, वो आपको अब यहाँ इस एसयूवी में दे दिए गए हैं। बहुत अहम है इसकी सेकेंड रो, और जल्दी से आपको बूट स्पेस पर भी नज़र दिलवा देते हैं। तो पहले की थार के मुकाबले बूट स्पेस भी बढ़ गया है, जल्दी आपके साथ आंकड़ा शेयर करेंगे इसका कितना बूट स्पेस आपको मिलता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको देखिए, अगर आप सी पिलर के पास देखें तो आपको एक ट्रायंगल भी मिल जाता है बढ़िया। आपको बाहर से दिखाते हैं, एक डिफरेंट शेप यहाँ दिया गया है। पावर विंडो के स्विचेस आपके पास यहाँ डोर पर हैं, तो देखिए ये एंगुलर दिया गया है, तो एक ग्लास नहीं है सर्कुलर, एक एंगुलर दिया गया है, देख सकते हैं 4x4 का यहाँ बैच है। और ये है सबसे अहम चीज़, ये जो सेकेंड डोर है वो यहाँ से खुलता है, इसका जो पोजीशन है वो कन्वेंशनल नहीं है, यहाँ से दिया गया है। बड़े बढ़िया इसमें तो दिए गए हैं, साइड स्टेप गाड़ी में लगे हैं, और बहुत सारे फीचर्स भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। ये है थार 5 डोर रॉक्स का फर्स्ट लुक आपके लिए। देखिए कैसी लग रही है एसयूवी, आप बताइए। फ्रंट में कुछ बदलाव हुए हैं अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इसके बाकी 3 डोर वाले मॉडल के साथ, तो कुछ चेंजेस आपको यहाँ दिख रहे हैं। उसके अलावा आप बताइए हमें कैसी लग रही है। DRL का शेप बदल गया है, ग्रिल का शेप बदल गया है, कुछ नए रंग भी आ गए हैं। 4x4, 4x2, पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक बार नज़र डालते हैं कैसी है पीछे से गाड़ी और क्या लुक इसमें आपको मिलता है। यह है पिछला लुक, तो कहीं कहीं आपको सिमिलर लगेगा, कहीं कहीं डिफरेंट लगेगा। पिछली तरह से कंपेयर करते हैं, एक बार फिर इसके बूट स्पेस पर नज़र डालते हैं। फिलहाल ये लॉक है, लेकिन आपको जल्दी दिखाते हैं। और ये है इसका ओवरऑल लुक एसयूवी का, कैसे लगी आपको। यहाँ देखिए आपको ब्लैक शेड में गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है, और यहाँ से आप कैबिन पे करीब से नज़र डाल सकते हैं किस तरह का फीचर आपको यहाँ कैबिन में मिल जाते हैं, तो वो सब है। तो ये है महिंद्रा थार रॉक्स जो आप इस पर नज़र डाल रहे हैं, ये है इसकी फ्रंट रो, और यहाँ पर आपको बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये थी रॉक एसयूवी, इसका फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ दिख गया है। जल्दी आपको पता चलेगी इसकी कीमतें कितनी हैं। कैसी लगी थार रॉक्स हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए।